भाई और बहनों, बीते डेढ़ दशकों में नीतीश जी की अगुवाई में बिहार ने कुशासन से सुशासन की तरफ कदम मजबूत गति से बढ़ाए हैं। एनडीए सरकार के प्रयासों के कारण बिहार ने असुविधा से सुविधा की ओर और अंधेरे से उजाले की ओर, अविश्वास से विश्वास की ओर, अपहरण उद्योग से अवसरों की ओर एक लंबा सफर तय किया। लेकिन सुशासन और विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब एक सुविधा सामान्य जन तक पहुंचती है तो फिर उससे भी ऊपर की सुविधा के लिए आकांक्षा बढ़ती है। बीते सालों में देश और बिहार की, बिहार के युवाओं की यही आकांक्षा और अपेक्षा बढ़ी है। जो कभी वंचित था, अभाव में था, निराश था, वो अब आकांक्षी बन गया है। ये बिहार की और एनडीए सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी है और इसके लिए मैं नीतीश जी को बधाई देता हूं। भाई और बहनों, अटल जी कभी कहते थे कि बिहार में बिजली की परिभाषा ये है कि जो आती कम है जाती ज्यादा है। लाल तैन काल का अंधेरा अब छट चुका है, लेकिन बिहार की आकांक्षा अब लगातार बिजली एलईडी बल्ब की है। पहले अस्पताल में एक डॉक्टर का मिलना मुश्किल था, अब जगह जगह मेडिकल कॉलेज और एम्स जैसी सुविधाओं की आकांक्षा है। पहले गांव गांव में मांग थी कि किसी तरह खड़ंजा बिछ जाए, अब हर मौसम में बनी रहने वाली चौड़ी सड़कों की आकांक्षा है। पहले सामान्य रेलवे स्टेशन भी एक सपना थे, अब स्टेशन तो आधुनिक सुविधाओं से जुड़े ही रहे, नए नए रेल रूट शुरू किए जाएं, इसकी भी आकांक्षा है। भाई और बहनों, बिहार के गरीब की आकांक्षा, बिहार के मध्यम वर्ग की आकांक्षा कौन पूरी कर सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा, क्या वो ये काम कर सकते हैं? जिन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचा, बिहार के एक एक व्यक्ति के साथ अन्याय किया, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का हक भी हड़प लिया, क्या वो लोग बिहार की उम्मीदों को समझ भी पाएंगे? साथियों, आज बिहार जो चाहता है, बिहार के लोग जो चाहते हैं, वो एनडीए के लिए संकल्प पत्र की तरह है, शपथ पत्र की तरह है। आज बिहार के शहरों को बिहटा जैसा नया और आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। पहले महात्मा गांधी सेतु की स्थिति सुधारने की मांग होती थी, अब पूरे राज्य में ऐसी सुविधाओं की मांग होती है।
पहले गंगा जी की स्वच्छता एक बहुत बड़ा विषय था, अब गंगा जी का पानी तो साफ हुआ ही है, यहां पटना में रिवर फ्रंट भी बन चुका है। हाल में जो सरकार ने मिशन डॉल्फिन शुरू करने का फैसला किया है, ये मिशन डॉल्फिन के कारण उसका सबसे बड़ा लाभ गंगा के इस पार्ट पे होने वाला है। पटना और आसपास के लोग उसके कारण बहुत रोजी रोटी कमाने वाले हैं, सैकड़ों करोड़ रुपयों का खर्च होने वाला है।